हिंदुस्तानी भाव ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने संबंध की बात की। हिंदुस्तानी भाव ने यह भी बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पहली तारीख को आधी रात को क्या हुआ, उनकी माँ से उनकी क्या बात हुई। आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 13 में दोनों साथ में थे एज ए कंटेस्टेंट्स, लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि सिद्धार्थ मुझे बड़े भाई की तरह मानता था और मुझसे कई ऐसी बातें भी शेयर करता था जिसे हम दोनों एक दूसरे तक ही रखते थे। ऐसे में हिंदुस्तानी भाव ने इस बात पर बात की कि मैं उनके घर भी गया, उनके फ्यूनरल पे भी गया और मेरी उनकी माँ से भी बात हुई फ़ोन पर। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया सिद्धार्थ को, क्या सिद्धार्थ बीमार था, तो उन्होंने कहा नहीं, सिद्धार्थ को कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था। सिद्धार्थ 3:30 बजे उठा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो ब्रह्म कुमारी से मानती हैं उनकी माँ, तो उनकी माँ 3:30 बजे मेडिटेशन करने के लिए उठती हैं। तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ ने शिकायत की कि मुझे सीने में दर्द है, तो मैंने उसको पानी भी पिलाया और उसको आइसक्रीम भी खिलाई। आइसक्रीम खाने के बाद वो सो गया और वो हर रोज़ 10 बजे का अलार्म लगा कर सोते थे। 10 बजे का अलार्म बजता रहा और वो उठे नहीं, तो इस बात से परेशान होकर हम उसके कमरे में गए और हमें कोई भी हलचल नहीं दिखी। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और रिश्तेदारों को बुलाया और फिर बात की कहानी आप सभी को पता है। तो हिंदुस्तानी भाव ने इस बात का खुलासा किया कि यही सब चीज़ें हुई थी मीडिया में और सोशल मीडिया पर कुछ बातें शेयर हो रही हैं, लेकिन ये बात हिंदुस्तानी भाव ने खुद बताई है कि उनकी माँ से, सिद्धार्थ की माँ से उनकी बात हुई और ये बात उन्होंने उनको बताई कि सिद्धार्थ को 3:30 बजे पानी पिलाया गया, आइसक्रीम भी खिलाई गई, उसके बाद वो सो गए। लेकिन 10 बजे का अलार्म ना बजने पर, यानी कि अलार्म बजा, सिद्धार्थ नहीं उठे, इस बात की चिंता को लेकर जब वो उन्हें कमरे में देखने गई तो उन्हें कोई भी हलचल नहीं लगी, तब जाके उन्होंने डॉक्टर और एम्बुलेंस को फ़ोन किया।